हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नुमान साहब बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर से? जी नुमान कर रहा हूँ। जी सब कैरियर से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तकलीफ के बारे में थोड़ा जानना था कि ये तकलीफ आखिर है क्या? आपको जानना है या मुनाजरा करना है? नहीं भाई जानना है। जानने का तरीका ये है कि आप सवाल करेंगे जवाब दें और जब तक मेरा जवाब जो है मुकम्मल न हो जी तब तक आप खामोश रहे। बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखूंगा कि आप अपने सवाल पर कायम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ के बारे में आपको क्या जानना है? जी मतलब ये जानना है कि हमारे मतलब जो हनफी भाइयों का दावा है कि चारों जो अइमा हैं वो बरक हैं और एक इमाम की तकलीफ करना वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? अल्लाह मसला ये है कि जहाँ तक तकलीफ का मसला है, एक है तकलीफ मुतलक, एक है तकलीफ शख्सी। तकलीफ मुतलक जो है वो वाजिब ज़ात है और तकलीफ शख्सी वो वाजिब गैर है। और जहाँ तक मसला ये है कि किसने है तो तकलीफ वजूद का वो कुरान से है। ये जी जी बस वही जानना था कि कुरान में मतलब कहाँ पे आया है तकलीफ के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल लदीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम इन तनाज़अतुम फी शय्इन फरुद्दूहु इला अल्लाह व अर-रसूल इन कुंतुम तुमीनून बिललाह व यौमिल आखिर ज़ालिका ख़ैरुन अहसनु तअवीला। ईमान वाले अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और जो तुम में से उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। ये उलिल अम्र कौन है? तो खुद कुरान पाक दूसरी जगह इसकी तफ़सीर करता है कि अल्लज़ीना यस्तंज़ीऊनहु मिन्हुम से इस्तिंबात कर सकते हैं यानी इजहार कर सकते हैं। भाई बात तकलीफ की हो रही है आलिम साहब? मैंने इसीलिए कहा था ना जब तक मैं बात करूँ तो आप खामोश रहे। नहीं मैं खामोश हूँ, मैंने आपको एक बार याद दिला दिया कि बात हो रही है तकलीफ की। यहाँ बात करने को खामोशी कहते हैं, इसीलिए मैंने इब्तिदा में कह दिया था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ शेख, आप तो नाराज हो जा रहे हैं, बात तकलीफ की हो रही है। मैंने इब्तिदा के अंदर आपको कह दिया था कि अगर आप खामोश रहे मेरी जिद्दत खत्म होना उस पर ये कहें कि ये बात रह गई है। अच्छा ठीक है आप बोल लीजिए। मेरी मुकम्मल आवाज सुनो फिर कहें कि ये बात रह गई है। ठीक ठीक बोल। अब अल्लाह का कुरान कहता है इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो उलुल अम्र है यानी मुस्तहजीन तो उनकी इताअत करो। अब आगे अल्लाह फरमाते तो आगे मसला चला गया। अब हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह की भी इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है और उलुल अम्र की भी इताअत करनी है। अल्लाह फरमाते हैं इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, आप कुरान पाक की इत्तिबा करें तो होगी कुरान पाक की इत्तिबा। आगे अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए। इसके बाद अल्लाह तआला ने और दो इत्तिबाओं की बयान की है। एक ये कि वमा युसातु तरतुल मिन बादी मा तबज्जना लहुल हुदा इस्तेबा का भी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया। अब आपका मसला यह है कि मैंने तकलीफ के बारे में कहा है तो आपको शायद पता होगा तकलीफ की हम तारीफ करते हैं, तकलीफ की हम तारीफ करते हैं। अब तकलीफ इत्तिबा अल इंसान गैरहु फीमा यकूल अव यफअल मुअतकिदन लिल हक्कियति उज्रु मुतैर नजरु इला दलील कअन्न हादा المتبع جعل قول الغير او جعل له خلاف في عنقه من غير مقالبة دليل। तकलीफ का जो खुलासा इसका यह है, तकलीफ कहा जाता है इत्तिबा करने को, तकलीफ कहा जाता है किसी इंसान की इत्तिबा करने को और इस तरीके से कि उससे बात ली जाए मुअतकिदन लिल हक्कियति, इस नजरिए के साथ ये जो बात बताएगा किताब सुन्नत के मुताबिक बताएगा और उससे दलील का मुतालबा ना करना, इसको कहा जाता है तकलीफ। अब कुरान पाक में इत्तिबा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो उन्होंने तकलीफ के माना में इस्तेमाल किया है। मसलन कुरान पाक कहता है وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا। जब काफिरों से कहा जाता अल्लाह ताला ने जो इशारा इसकी इत्तिबा करो तो वो कहते बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो अपने आबा अजदाद को जिससे पाया है उसकी इत्तिबा करेंगे।
अब आधा अजदाद के पीछे तो वो जो चले हैं वो बगैर दलील के चले। मतलब कितनी देर आप बोलेंगे, कितनी देर आप बोलेंगे? बस अभी एक मिनट बोलेंगे, तो अंदर के अंदर अंदर। हाँ तो मेरे को भी मतलब बोलने का मौका दीजिएगा, ठीक है? तो अब ये जो आबा अजदाद ने आबा अजदाद के लिए अल्लाह ताला उनके पीछे चलने के लिए कुरान इस्तेमाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुरान कहता है कि फिरौन के पीछे चलने वाले उसकी इत्तबा करते थे। इसी तरीके से ये जो गुमराह लोग हैं अपने शहबाज की इत्तबा करते हैं, तो बगैर दलील चलने पर भी और बगैर मुतालबा दलील चलने पर भी कुरान पाक ने इत्तबा का लफ्ज बयान किया है। अब इत्तबा का माना कुरान से क्या हुआ कि अगर बगैर दलील के किसी के पीछे चले तो उसको इत्तबा कहा जाएगा। और तकलीफ का माना भी क्या है जी, बगैर मुतालबा दलील किताब की मुताबिक बताएगा उसकी इत्तबा कर देना। अब जब इत्तबा का माना भी वही है, तकलीफ का माना भी वही है, तो अब जैसे आगे चल करके जब कुरान पाक ने इत्तबा का हुक्म दिया जिसमें मुस्तहजीन भी दाखिल है, तो इसमें जब हुक्म आएगा अल अम्रुल वुजूब, हुक्म जो है वुजूब के लिए होता है, अब इसमें मुस्तहजीन भी दाखिल होंगे, तो इसी से साबित होगा कि तकलीफ जो है इज्तिहादी मसाइल में गैर मुस्तहिद पर मुजतहिद की तकलीफ वाजिब है। इज्तिहादी मसाइल के हल करने के सलाहियत गैर मुस्तहिद में होने और मुस्तहिद में है। अब इन मसाइल में जिन मसाइल के बारे में तो मालूम ही नहीं है और अल्लाह रसूल अलैहि सलाम के वाजे फैसला नहीं है, भाई एक मिनट आपका हो गया, निकाल सकता है उस पर वाजिब है कि वो मुस्तहिद की बात। नुमान साहब एक मिनट आपका हो गया, फरमा जी। जी आपने 8 पॉइंट आपने ऐसे बोले हैं जो सरासर बिल्कुल झूठ है, ठीक। पॉइंट नंबर एक ये है, जी 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 ठीक। सबसे पहला पॉइंट भाई ये है, आपने जो तकलीफ जो आपने कुरान से भाई साबित करने की नाकाम कोशिश की है, ठीक है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 जो आपने पेश की है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, आपको याद है? आपको वो आयत याद है? ये आयत आपको याद है? अरे मेरे भाई याद है तभी तो बोल रहे हैं ना, एक मिनट सुन तो लीजिए। करो वो अल्फाज तर्जुमा नहीं करो, अरबी करो, जिस तरह ने बात अल्लाह पाक ने नाजिल किया है वो अरबी इबारत करो। क्यों उर्दू नहीं आती आपको? अभी तो उर्दू में आप समझा रहे थे तकलीफ। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा अरबी में तकलीफ कहाँ है ये बताइए। मैंने जो उर्दू में बात की वो मेरी तरफ से थी और जो वो आपकी तरफ थी अरबी लैंग्वेज में करी। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि तर्जुमे में आपने अपने अल्फाज डाल दिए। अब देखिए मेरे भाई, अब हमने आपकी सारी बात खामोशी से एकदम सुनी, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, यही नहीं अच्छा लगता है इंसान अपनी जबान से भाई फिर जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा चलिए अरबी 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 भाई हम कर देते हैं, ठीक। आप अपना शौक पूरा कर लीजिए। अल्लाह सुबहानहू तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में ओपन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यानी कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब आप अली जबर आप बाजबर बा अलग से बोलो, खा खा मेरे को ना सिखाइए, मैं तकलीफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, यह मतलब यहाँ तक तो आपने ठीक बोला, सुन लीजिए मेरे भाई। अब आप फिर बड़बड़ाने लगे, कैसे बात करेंगे? ठीक है मेरे भाई, गलत पढ़ी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई कारी नहीं हूँ भाई, मैं कोई कारी नहीं हूँ मेरे भाई। क्या अच्छा हमने, क्या अच्छा हमने गलत पढ़ा बताओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चलो बताओ क्या इसमें गलती थी, क्या गलती थी? मैंने चाइना में पढ़ दिया, क्या गलती थी? फिर तो ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा क्या गलती है पढ़िए ना आगे जहाँ तक आपने अभी पढ़ी, ठीक। अतीउल्लाह ऐसा से पढ़ो ना, वक्त से नहीं पढ़ो पूरी आयत। नहीं नहीं आप पूरा मेरे भाई, आप एक एक चेक कर रहे हैं ना, अरबी के आप टीचर हो गए ना। मैं यही चेक कर रहा हूँ, पढ़ो पूरी आयत। अरे मेरे भाई मेरे को पॉइंट बताने दीजिए जो आपने गलती की है, ठीक है, फालतू में ऑडियो लंबी ना कीजिए। आपने जो 8 आपने झूठ बोले हैं 4 मिनट के अंदर, वो झूठ आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? क्यों आवाम को बेवकूफ बनाते हैं आप? मैं
मैं कह रहा हूँ आपने आवाम को बेवकूफ क्यों बनाते हैं। पहला जो आपने झूठ बोला है पॉइंट नंबर वन, झूठ नंबर वन वो आपका ये था कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 से तकलीद का रद्द हो रहा है। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो और जो तुमने हाकिमों उनकी बात को मानो। अगर अगर हाकिमों में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो इसमें तो तकलीफ का रद्द हो रहा है और आपने इस आयत से तकलीफ साबित कर दिया। कितना बड़ा जुल्म है ये मेरे भाई, जिस आयत से तकलीफ का रद्द हो रहा है उससे आपने मेरे भाई तकलीफ को साबित कर दिया। हद होती झूठ बोलने की। और दूसरा आपने क्या कहा कि इत्तेबा और हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो सामाइन आपने सुना ये नोमान, ये जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े अल्लामा, ये वहाँ पे कितना मचाए हुए हैं कश्मीर में, ठीक है, तकलीफ 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 के ऊपर। और जब मैंने इन्हें फोन किया तकलीफ के ऊपर बात करने के लिए तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि देवबंदी मुकल्लिद के साथ साथ मुनाफिक भी होते हैं। कितना बड़ा मुनाफिक इंसान है ये कि मेरे से कहा कि पहले मैं बोल लूं बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। तो मैंने इसका पूरा बयान सुना, इसने पूरे 4-5 मिनट तक ये बोलता रहा जो इसके मुंह में आता गया सही गलत, कहीं कसर कहीं की टांग जोर से इसने तकलीफ साबित करने की नाकाम कोशिश की। उसके बाद जब मेरा टाइम चालू हुआ और मैंने बोलना स्टार्ट किया तो फौरन इसने अरबी पढ़ो ये पढ़ो, अरबी तुमने ठीक नहीं पढ़ी, अरबी तुमने गलत पढ़ दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और मेरा जो मैं उसके झूठ बताने वाला था, जो इसने बड़े बड़े झूठ बोले थे 8 पॉइंट वो बिना सुने ही फोन काट के भाग गया। अब मैं उसको कम से कम 4-5 बार फोन कर चुका हूँ, ये बार बार मेरा फोन काट रहा है। खैर ठीक है, फोन काट रहा है तो क्या हुआ, इसकी ऑडियो तो मौजूद है जो इसने झूठ बोले हुए हैं। तो मैं झूठ इसका मैं सामाइन के सामने कर देना चाहता हूँ जो ये लोगों को मुगलता देता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो तकलीफ की तारीफ है वो तारीफ ये है जो इनकी जो हनफी उसूल की मोतबर किताब है, ठीक है, मुसल्लम सबूत में, उसमें लिखा हुआ है कि तकलीद उस अमल का नाम है यानी कि किसी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोचकर कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो ये तकलीद की दलील ये कुरान से इत्तबा वाली जो आयते हैं उनके ऊपर कयास करके वहाँ पे इत्तबा को छोड़ के वहाँ तकलीद फिट कर रहे हैं, जबकि तकलीद और इत्तबा में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे तौहीद और शिर्क, सुन्नत और बिदत, मर्द और औरत, दिन और रात, सफेद और काला, उसी तरीके से इत्तबा और तकलीद ये दोनों उल्टे वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड हैं। इत्तबा जो होती है वो बादलील होती है और जो तकलीद होती है वो बिना दलील होती है। तो दोनों में दलील का फर्क है। तो जो ये सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 जो इसने पेश की थी तकलीद को साबित करने के लिए, उससे तो एक्चुअल में तकलीद का रद्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो और जो तुम में हाकिम है उनकी बात को मानो। अगर उनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। तो इस आयत से तो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ का रद्द हो रहा है। और उलिल अम्र से मुराद इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह को इन्होंने ले लिया है और उसके नाम से हनफी मसलक बना लिया है और हनफी उसूल बना लिया है और खुद को हनफी मतलब बना के 3 भागों में बट गए हैं, देवबंदी, बरेलवी और कादियानी। ये कहाँ से ये लेके आए? अल्लाह ताला ने तकलीफ का हुक्म कुरान में आसमान से कब नाजिल किया? ये लोग कहते हैं तकलीफ वाजिब है वाजिब है वाजिब है। तो यही मैंने सवाल पूछा था, सीधा सवाल मेरा ये था कि तकलीफ को वाजिब किसने आखिर किया, अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। और
पूरा बयान दे दिया तकलीफ के ऊपर और फोन काट के गए। अब उसके बाद से फोन नहीं उठा रहे हैं। ये हैं कश्मीर के बहुत बड़े अल्लामा मुनाजिर, अरबी के अल्लामा। अरे दम हो तो फोन उठाओ ना। ये कौन सी बात होती है कि इंसान की आधी बात मेरे भाई सुन के फोन काट जाओ। खैर ये तो इनकी मुनाफिकत थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया। इन्होंने कहा कि बीच में आप ना बोलिएगा, तो मैं इनकी सारी बकवास में खामोशी से मैं सुनता रहा। लेकिन जब मैंने इनके झूठ पकड़ा और झूठ इनको बताने वाला था तो ये फोन काट के हो गए गायब। तो पहला झूठ इनका ये था कि कुरान से जो है वो तकलीफ साबित है। तो कुरान से तकलीफ साबित नहीं है, कुरान हदीस में तो तकलीफ का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। अगर ये मुझे एक आयत पेश कर देता कयामत तक या अपनी इंतकाल के एक दिन पहले तक ये मुझे कुरान की एक आयत पेश कर दे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों से मुसलमानों से कहा हो कि तुम किसी की बात को बिना दलील के मान लो, तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हंसी मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके उनके दम नहीं है, वो इत्तिबा के ऊपर कयास करके तकलीद को साबित कर रहे हैं। तकलीद है क्या? कोई खिलौना है, झुंझुना है क्या? मतलब क्या है? इनके वहाँ तो तकलीद कुछ भी हो जाती है। अगर मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, औरत ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है, इन्होंने नहा लिया तो तकलीद है, इन्होंने साबुन लगा लिया तो तकलीद है, इन्होंने शैम्पू लगा लिया तो मतलब हर चीज इनके वहाँ तकलीद है। तो इनके वहाँ गोया इत्तबा खत्म हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है, और जो बचा है वो बची है तकलीद। और इनके अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि किताब व सुन्नत की बात को मानना तकलीद नहीं है। अब बताइए, किताब व सुन्नत वो इत्तबा है क्योंकि वो दलील के साथ है, बादलील है, वो तकलीद नहीं है उसकी बात को मानना। और ये महाशय कह रहे हैं जो अभी अंग्रेजों के दौर में पैदा हुए हैं, नए नए फिरके के हैं, ये बता रहे हैं कि इत्तबा और जो तकलीद है वो एक ही है, हम माना है। कहाँ से हम माना है? कहाँ से हम माना है? कौन सी लुगत के हिसाब से आपने इसको हम माना ले लिया? ये तो अपोजिट वर्ड है। दूसरा इनका झूठ कि आमी के ऊपर तकलीद वाजिब है। तो ये बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला अपनी अम्मा के पेट से वो अल्लामा बनके तो पैदा नहीं हुए थे। तो जब तक वो भाई वो मुज्तहिद नहीं बने होंगे तब तक तो उन्होंने किसी की तकलीफ की होगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला किसके मुकल्लिद थे? तो पहले इसका जवाब दें। और अगर वो मुकल्लिद थे तो भाई कोई भी मुकल्लिद कभी मुज्तहिद बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। ठीक, तो ये इनका दूसरा झूठ था। तीसरा इनका झूठ ये था कि जो तकलीद है, तकलीद जो कुरान में आया हुआ है वो इताअत के माने में आया हुआ है। ठीक है, ये भी इनका एक बहुत बड़ा झूठ था। इत्तबा जो होता है, इत्तबा का माना होता है बादलील पैरवी करना, यानी कि फरमा बरदारी करना। लेकिन जो तकलीद होती है, तकलीद होता है एक अंधविश्वास, यानी कि अंधेपन में किसी को फॉलो करना। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ब्लाइंड फॉलोइंग। तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग ये कुरान में ही नहीं, अंधविश्वास, अंधेपन में किसी की बात मान लेना और उससे दलील भी ना लेना, ये तो मेरे भाई कुरान के खिलाफ है। क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि अपनी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो तो। तो कुरान कह रहा है कि सच्चाई अगर तुम्हें देखनी हो तो उनसे दलील लो, अगर वो सच्चे होंगे तो दलील देंगे। और यहाँ तो तकलीद में दलील ही नहीं ली जा रही है, तो सच्चे झूठे का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, खैर इनके बहुत सारे झूठ हैं, अब मैं क्या क्या बताऊँ। अब आप लोग या तो इनसे कहिए मेरा फोन उठाए, या तो मुझे फोन करें और आके सामने बात करें ना फोन पे, एक बार उसूल की रोशनी में बात कर लें। एक मिनट वो बोल लें, एक मिनट हमें बोलने का मौका दें। ये कौन सी बात होती है, अपनी सारी बात बोल दिया, दूसरों की बातें नहीं सुनना है। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्कू खान यूपी इलाहाबाद का, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का ये दावा है कि तकलीद दीन इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। और तकलीद को अगर कोई भी हनफी मुकल्लिद या हनफी आलिम या हनफी अल्लामा अगर कुरान हदीस से साबित कर दे तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। ये कश्मीर में जो फितना
मतलब ये फैलाया जा रहा है कि तकलीद वाजिब है, तकलीद करना चाहिए, जो तकलीद ना करे उसका दीन नहीं मुकम्मल है, ये सब झूठ है। अरे हमारे साहबा क्या थे? साहबा हमारे हनफी थे, मलके थे, शाफई थे, अम्बली थे। कौन थे हमारे साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तबे सुन्नत थे, अहले हदीस थे, अहले सुन्नत वल जमात थे। ये सब तकलीद की बुराई तो मेरे भाई बहुत बाद में आई है, और सारे अइमान ने तकलीद का रद्द किया है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, इमाम शाफई रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह, सब ने तकलीद का रद्द किया है। यहाँ तक कि जो आखिरी इमाम थे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह, उनके दौर में तकलीद की बुराई चालू हो गई थी, तो उन्होंने खुद कहा था कि दीन में किसी की तकलीद ना करना, ना मेरी, ना इमाम औजाई की, ना फला की, ना फला की। तो वो तो खुद ही तकलीद से रुक के चले गए। और सबने कहा कि अगर हमारी बात कुरान हदीस से टकराए तो हमारी बात को छोड़ देना और किताब व सुन्नत की बात को मान लेना। यहाँ तक कि इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबकी बात को हम ले सकते हैं और सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी की बात। तो अल्लाह के नबी की बात को हमको लेनी ही लेनी है, मानना ही मानना है, और नबी की बात मानना तकलीद नहीं है। नबी की बात मानना एक सिवाय है, क्योंकि नबी की बात खुद एक दलील है, अल्लाह की बात खुद एक दलील है, लेकिन गैर नबी की बात वो दलील के ताबे है, दलील की मोहताज है। अगर गैर नबी अति अल्लाह और अति रसूल इनके ताबे होके अगर हमें कोई बात बताएगा तो हम उलिल अम्र की बात को मानेंगे, लेकिन अगर उलिल अम्र अति अल्लाह और अति रसूल से टकराएगा तो हम उलिल अम्र को हम छोड़ देंगे। लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, तकलीद जाहिल करता है, ठीक है, और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। तो ये नुमान ने, कश्मीरी ने ये साबित कर दिया है कि वो जाहिल है, जो अपनी तकलीद को साबित भी नहीं कर पाया। मेरे तीन सवाल हैं, तीन सवाल का जवाब अगर इस नुमान ने दे दिया तो मैं वादा करता हूँ मैं कश्मीर में आके इसके हाथों पे बैत में लूंगा, मैं इसके हाथों पे बैत लूंगा, और मैं आवाम के सामने कहूंगा कि हनफी मतलब बरहक है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करना ये एकदम बरहक है। ये मुझे तीन सवाल के खाली जवाब दे दे। पहला सवाल, चारों इमाम बरहक हैं, एक की तकलीद वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? दूसरा सवाल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म कब दिया? अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म दिया है तो हम तकलीद करेंगे, अगर हुक्म नहीं दिया है तो फालतू में भाई हम तकलीद काहे के लिए करें? और तीसरा, तकलीद की तारीफ है किसी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना इस हुस्ने जन पे कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अल्लाह के नबी ने ये कब फरमाया कि बिना दलील के किसी की बात को मान लो? ये तीन सवाल का जवाब अगर हमको इसने दे दिया तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके मैं हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। ये मर जाएगा लेकिन ना तो ये जवाब देगा ना कभी मेरा फोन उठाएगा। मैं इसकी ऑडियो को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस तक पहुँचा दीजिएगा, और अगर इसके अंदर गैरत होगी, जो इसने ये मुनाफ़िकत किया है, जो वादा खिलाफी किया है, जो इसने उसूल तोड़ा है, खुद बोल के चला गया, पूरा बयान भाषण दे के चला गया, जब मैंने इसके झूठ पकड़े तो इसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फोन काट के भाग गया और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है, इतना बड़ा डरपोक है, कैसे मुनाजिर है ये? इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं भाइयों, ये सब इजमाई जाहिल हैं, इनके ऊपर तो इजमा है, इनकी हिम्मत नहीं है बात करने की। ये कश्मीर में जो प्यारे प्यारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको बेवकूफ बना लें, पहले हदीसों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। हम इत्तबा करते हैं और तकलीद का रद्द करते हैं, हम तकलीद के मुनकिर हैं, हम बिना दलील की बात मानने के मुनकिर हैं, और हम जहादत के मुनकिर हैं। हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन का इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत के ऊपर ये फर्ज है, और ये हनफी मुकल्लिद कहते हैं कि हम तो जाहिल हैं, हम कुरान हदीस समझ नहीं सकते, उसका मसला हमें कौन बताएगा, तो हम इमाम की तकलीद करते हैं। वाह रे वाह, चलो ठीक है नुमान साहब, आपको मैं आपकी दुर्रे मुख्तार का हवाला दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर अमल करके मेरे को तकलीद साबित कर दीजिए। आपकी दुर्रे मुख्तार मुतरा हुआ है कि अगर कोई
मर्द अपना ही आला तनसुल अपनी दुकान में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। तो आपसे ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप इस फतवे के ऊपर अमल करके दिखाइए। आप अपना आला तनसुल अपनी दुबुर में दाखिल करके दिखाइए और हनफी कहलाइए, तब हम आपको हनफी मानेंगे। आपकी दुर्र मुख्तार जिल नंबर 1 और सफा नंबर 512 उतरा हुआ है, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं। तो आपके वहाँ तो रोजा रख के अगर कोई हाथों से मनी भी खारिज कर रहा है तो रोजा उसका फासिद नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। आपकी दुर्र मुख्तार जिल नंबर 1 सफा नंबर 515 भी उतरा हुआ है कि अगर कोई रोजे की हालत में जानवर से या मुर्दा औरत से या छोटी बच्ची से अगर वो वटी कर ले तो उसका रोजा फासिद नहीं। तो आपके वहाँ रोजा, वजू, गुस्ल ये सब तो अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, कुछ भी कर लो टूटता ही नहीं है। आपके दुर्र मुख्तार के हिसाब से तो फारसी में अजान देना भी जायज है, तो फारसी में अजान दिया कीजिए अपनी मस्जिदों में, अपने आप को साबित कीजिए हनफी मुकल्लिद। आइए तो मैदान में, बात तो कीजिए। आप तो बताइए, 4 मिनट में ही मतलब फोन काट के भाग गए, दोबारा फोन नहीं उठा रहे, ये हालत आपकी हो गई है। अल्लाह रहम करे। 8 झूठ मैंने आपके पकड़े हैं, 8 झूठ। और इंशाल्लाह जिस दिन आपने हिम्मत करके अगर आपने मुझे फोन कर दिया ना, वो 8 के 8 झूठ आपको बताऊंगा। आज के लिए इतने काफी है, ऑडियो ज्यादा लंबी नहीं करना है मुझे, ठीक है। और दम अगर आपके होगा ना तो आपको जिस दिन तकलीफ से बात करना हो, जिस दिन आपको ऐसा एहसास हो कि हाँ अब मैं तकलीफ साबित कर दूंगा, उस दिन आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।